I request now Maulana Mubarak Ahmed Nazir Sahib to deliver his speech on the topic, his living connection to Almighty Allah Ta'ala. और हमें इस बात की भी खुशी है कि मुकर्रम मुबारक नज़ीर साहब जो हैं वो कनाडा के मुबल्लिग इंचार्ज हैं और इस लिहाज से कनाडा की जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ और तकरीर के लिए दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए। أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا साहिब सदर ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैंने कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ी हैं, चंद आयात का हिस्सा पढ़ा है। उन आयात का तर्जमा ये है कि तू कह दे कि तुम अल्लाह से, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ऐ रसूल तू कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तुमसे अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और वो लोग जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर इन्हें अपनी राहों की तरफ हदायत देंगे। और मैंने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर इस गरज से कि वो मेरी इबादत करें। फिर सूरह कहफ़ की आयत है, बस जो कोई अपने रब की लिगा चाहता है वो भी नेक अमल बजा लाए और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। जिस मौजू पर ताल्लक बिल्ला, ये बड़ा अहम मौजू है और ये इंसान की पैदाइश की असल गरज है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा किया जाए। हज़रत मुस्लिम माऊद ने एक बड़ी आलिमाना तकरीर की हुई है 1952 में और मैंने वो तकरीर सुनी है ताल्लुक बिल्ला पर। हजूर उसके इब्तदा में फरमाते हैं कि बहुत से लोग दुआ के लिए लिखते हैं, कोई लिखता है कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें, कोई कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हुए, बच्चा कोई नहीं, कोई कहता है बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, कोई कहता है बेटे हैं तो बेटी कोई नहीं, हुजूर मेरे लिए दुआ करें, कोई कहता है मुझे जॉब नहीं मिला उसके लिए दुआ करें, कोई कहता है मेरी शादी नहीं हुई उसके लिए दुआ करें, कोई कहता है मेरा खामन जो है वो सख्त तबीयत का है उसके लिए दुआ करें। गर्ज़ है कि हज़ारों लोग हज़ारों वजूहात की बिना पर लिखते हैं मगर बहुत कम लोग लिखते हैं कि दुआ करें कि मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम हो जाए।
क्योंकि अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो जाए तो उसमें हर चीज आ जाती है। हजरत मुस्लिम मौद फरमाया करते थे, हाथी के पाँव में सबका पाँव, अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक हो जाए तो उसमें हर चीज आ जाती है। और इसी मकसद के लिए 1,24,000 पैगंबर आए, इसी ताल्लुक को कायम करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, इसी के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मबूस हुए। बार बार फरमाया कि मेरे आने का मकसद ये है कि इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम हो जाए। खुलफा आपने बारहा तकरीरें सुनी, तो उन खुलफा की तकरीरों से और हजरत मुस्लिम मौऊद की तकरीर से, हजरत मसीह मौऊद की तहरीरों से और कुरान मजीद से चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। वो मा तौफीक इल्ला बिल्ला। हजरत मसीह मौऊद ने फरमाया कि बैत करने से गरज यह है कि ता दुनिया की मोहब्बत ठंडी हो और अपने मौला करीम और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल पर गालब आ जाए और ऐसी हालत इनकता पैदा हो जाए जिसे सफ़र आखरत मकरूह मालूम ना हो। मौजूद सामीन, इंसान ने बहुत तरक्की की है मगर इंसान की बेचैनी कम नहीं हुई है। जो जो इंसान तरक्की करता है उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इंसान सोचता है कि अगर शायद मेरी शादी हो जाए तो मेरी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोई कहता है कि अगर मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। कोई कहता है मुझे इमिग्रेशन मिल जाए, मेरा केस हो जाए तो मेरी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कोई कहता है कि मेरे बेटे हो जाए, कोई कहता है मेरी बेटी हो जाए। और जब भी ये ख्वाहिश पूरी होती है तो सैकड़ों और ख्वाहिशात जो हैं वो जैसे जन्म लेकर सामने खड़ी हो जाती है, ख़त्म नहीं होती ख्वाहिशात, फिर बेकरारी और बेचैनी। मतलब किसी को एक पहाड़ भी मिल जाए सोने का तो उसकी ख्वाहिश होगी कि एक और मिल जाए। बेचैनियाँ कम नहीं होती। आज मशरक भी बेचैन है, मगरब भी बेचैन है, जो दौलत के अंबारों पर जिसने कब्जा किया हुआ है, दुनिया की मादनियात पर कब्जा किया हुआ है। माल के खजानों के ऊपर बैठा हुआ है। यूरोप बेचैन है, आपको पता है यूरो जोन कितना बेचैन है आजकल। वो ग्रीस का मसला है, कभी स्पेन का मसला है, कभी इटली का मसला है, बेचैन। मगरब भी बेचैन, मशरक भी, जनूब भी, शिमाल भी। अफ्रीकन लोगों की अगर बेचैनी हो तो इंसान समझ लेता है कि उनके बेचारों की बेचैनी क्यों है, मगर मगरबी अकवाम, फिर ये क्या बेचैनी की वजह क्या है कि ये आप देखें कि स्लीपिंग पिल्स पर और ट्रैंकुलाइजर्स पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं और कितने लोग होते हैं जो सिर्फ नींद की खातर इंजेक्शन लेते हैं। ये अदाकार आपने सुना होगा कि सिर्फ चंद घंटे की नींद के लिए बस कर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। वजह क्या है, इसके इलाज क्या है बेचैनी का? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए बेचैन लोगों, ए इत्मीनान के मुतलाशियों, अगर तुम इत्मीनान हासिल करना चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अगर तुम इत्मीनान हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करो। देखो इंसान जो है वो, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अपनी किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी में
कि बाज़ वक़्त इंसान समझता है कि शायद मेरी शादी हो जाए मुझे इत्मीनान आ जाएगा, शायद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे इत्मीनान आ जाएगा। असल बात यह है कि उसको उसका क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं होता, और अल्लाह ताला ने खुद हमारी रूह के अंदर ये एक ख्वाहिश बूंदी हुई है, हमारी रूह के ऊपर एच किया हुआ है, ग्राफ्ट किया हुआ है, पैबंद किया हुआ है कि एक बाला हस्ती जो हमारा खालिक है उससे ताल्लुक कायम हो जाए। देखो इंसान अलग से पैदा हुए हैं, खलक इंसान है मिन अलग, या वो चाहता है किसी का हो जाए या कोई उसका हो जाए, ये उसकी ख्वाहिश है। जितनी मर्जी उसको दौलत मिल जाए, जो कुछ मिल जाए, बेचैनी खत्म नहीं हो सकती जिस वक्त तक उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ना हो। इंसान ढूंढता है ये चीज मिल जाए मुझे, ये चीज मिल जाए। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि बाज़ वक़्त इंसान का, इंसान की रूह जो है किसी गुलूकारा की आवाज़ पर वो उसकी रूह फिदा हो जाती है। दरअसल उसके पीछे वो भी यही अक्स है कि उस वो अल्लाह ताला के वो ढूंढता है कि मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हो जाए। तो ये सब बातें हैं कि अल्लाह ताला से साथ क्योंकि ताल्लुक नहीं होता, इसलिए वो ढूंढता है कि किसी तरह मेरा खुदा ताला के साथ ताल्लुक हो जाए। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया है कि तूने खुद रूहों पे अपने हाथ से छिड़का नमक, उससे है शोरे मोहब्बत आशका नेजार का। ए खुदा तूने खुद नमक छिड़का है हमारी रूह के ऊपर कि इंसान रात को जागता है, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजे यदून रब्बहुम खौफम व तमम व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। वो रात को जागता है, बिस्तरों से अलग होता है, पुकारता है कि खुदा ताला से ताल्लुक हो जाए। हमारी रूह के अंदर अल्लाह ताला ने खुद ये डाला है कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम हो जाए। फरमाया कि हर इंसान की फितरत में ये बात रखी गई है, उसकी सृष्ट में है, और ये तमाम दुनिया की जो बेचैनी है उसको उसका उसका सिर्फ एक हल है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हो जाए। और जो इस राज को नहीं समझता कि किस तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, इस दुनिया में भी बेचैन जाता है, दूसरी दुनिया में भी बेचैन जाता है। अल्लाह ताला ने क्या खूब फरमाया है कि वमन काना फी हाज़िही आमा वह फिल आखिरत आमा, जो इस दुनिया में अंधा है कि किस तरह असल खुशी हासिल की जा सकती है, किस तरह असल इत्मीनान हासिल किया जा सकता है, वो इस दुनिया में भी अंधा और दूसरी दुनिया में भी अंधा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आपने सुना है बार बार, क्या ज़िंदगी का ज़ौक अगर वो नहीं मिला, क्या ज़िंदगी का ज़ौक अगर वो नहीं मिला, लानत है ऐसे जीने पे अगर उससे है जुदा, अगर उससे जुदा है तो ऐसी ज़िंदगी पर लानत। दीदार कर नहीं तो गुफ्तार ही सही, हुस्न जमाल यार के आसार ही, कुछ तो आसार चाहिए, कुछ तो बात हो। क्या दुनिया में ले लेना है, चंद दिनों की जिंदगी है, मैं 7-8 साल के बाद आया हूं, बहुत बंदों का पूछता हूं फौत हो गए चले गए, यहां बैठे सारे हम सब ने जाना है। फरमाया अगर जिंदगी में आपको खुदा ताला के साथ ताल्लुक नहीं है तो ये जिंदगी तो बेकार, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। और ये बात है कि अल्लाह ताला बार बार बताता है कि मैं करीब हूं, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज्यादा करीब हूं आपके, ये शारक मेरी फटक रही है। फरमाया कि उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं, हुआ माकुम ऐना माकुंतुम, जहां तुम हो मैं वहां पर हूं। वाइदा सलका इबादी अन्नी फाइनी, करीब मैं करीब हूं।
अगर फिर भी इंसान को नज़र नहीं आता, हसन हज़म मुस्लिम ने फरमाया ना, जिस तरफ देखो वही राह है तेरे दीदार का। अगर इंसान को फिर भी नज़र नहीं आता खुदा ताला, और फिर भी उसको खुदा ताला पर शक है कि खुदा है या खुदा नहीं है, तो फिर तो हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहिबा ने क्या खूब फरमाया ना, ना दिखाई दूँ तो ये फिक्र कर कहीं फ़र्क ना हो निगाह में, ये ना तेरी निगाह में फ़र्क हो, खुदा तो हर जगह नज़र आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, खिलाफत अहमदिया, नारे तकबीर। हमारी तमाम दुनिया के साथ जंग है, आप उसके अदना सिपाही हैं, और ये जंग तलवारों से और बंदूकों से और बम्बों से नहीं लड़ी जाएगी, ये जंग लड़ी जाएगी कि ताल्लुक किसका अल्लाह ताला के साथ है। ये हथियार है जिसका दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक है या नहीं है। हजरत मुस्लिम मऊद ने उस तकरीर में फरमाया था ना कि वो एक बुजुर्ग थे, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ इबादत किया करते थे, तो किसी गाने बजाने वाले ने आप आके उनके हमसाये में डेरा डाल दिया, और रात को सारी रात गाने हो रहे हैं और बाजे बजाए जा रहे हैं, नमाज में वो नमाज पढ़ नहीं सकते तवज्जो के साथ, तहज्जुद पढ़ नहीं सकते। उन्होंने अपना पैगाम भेजा उसको कि जाकर उसको कोई फजूल बातें हैं बंद करो, इसको मुखिल हो रहे हो। तो वो बादशाह के साथ उसके कुछ ताल्लुकात थे, तो वो बादशाह के पास गया, उन्होंने कहा कि ये जो वलीउल्लाह है, ये बनी बना बैठा है, ये मुझे बार बार पैगाम भेज रहा है कि मैं ये गाने बजाने बंद करूँ। तो बादशाह ने कहा बात ही कुछ नहीं, उसने एक गार्ड भेज दी ताकि उसकी हिफाजत की जाए। जब वो फौज का दस्ता उसकी हिफाजत के लिए पहुंच गया, तो उस बुजुर्ग ने दोबारा पैगाम भेजा, उसने कहा मेरे पास इस इन सिपाहियों के मुकाबले के लिए मैं तो नहीं मुकाबला कर सकता, मगर मैं ये बता दूं कि जंग मैंने भी बंद नहीं कर ली, अब मैं रात के तीरों से तुम्हारा मुकाबला करूंगा, मैं आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, मगर हार मैंने भी नहीं माननी, अब मैं रात के तीरों से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। उसके दिल में एक होगी कुछ, वो कहने लगे कि रात के तीरों का ना मैं मुकाबला कर सकता हूँ, ना बादशाह मुकाबला कर सकता है। वो गाने बजाने वाले चले गए। तो हमारा मुकाबला रात के तीरों के साथ है, हमारा मुकाबला दूसरे असला के साथ नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं किसी मुल्क पर कि किसी मुल्क पर कब्जा किया जाए। हमारा उन मुकाबला है रात के तीरों के साथ। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई तेरी तरफ तीर चलाएगा तो मैं उसी तीर से उसका काम तमाम कर दूंगा, ये वादा भी किया कि अगर तेरी तरफ कोई तीर चलाएगा तो मैं उसी तीर से उसका काम तमाम कर दूंगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। देखो हमारे तीर तो इधर उधर जा सकते हैं, कितने लोग हैं शिकार के लिए जाते हैं, कोई तीर उधर चले गया, कोई तीर उधर चले गया, मगर जब अल्लाह ताला का तीर होगा तो वो जरूर जीरो इन होगा, वो जरूर टारगेट पर लगेगा। और आप सब इसके गवाह हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा के खिलाफ जो भी अल्लाह ताला ने जो भी उनके उनके हक में जो तीर चलाए, वो किस तरह टारगेट के ऊपर उसने डायरेक्ट उस क्रॉस पर के ऊपर हिट किया। एक इलाही जमात है,
कौन मुकाबला कर सकता है। जब ये हमारे लाहौर में खून, हमारे पाकीज़ा खून से होली खेली गई बैतुल ज़िक्र में और मॉडल टाउन की मस्जिद में, तो एक टीवी एंकर ने साहिबजादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब का इंटरव्यू भी हुआ, वो टीवी पर आया था, और उन्होंने पूछा जी अब आपका क्या मुतालबा है, आपके 100 बंदे मर गए हैं। वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे उनको शहीद कहा जाए, इसके लिए भी तैयार नहीं थे कि कहा जाए कि ये इनका मस्जिद है। कहने लगे अब आपका क्या मुतालबा है, तो मियाँ साहब नज़र नीची की हुई और कहने लगे हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं, हमारा आपसे तो कोई मुतालबा नहीं, तो हमारा तो मुकाबला आसमान पर है। जब मार्टिन क्लार्क का झूठा मुकदमा हुआ और मार्टिन क्लार्क मुकदमा हार गया, तो कैप्टन डगलस ने हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि इसने झूठा मुकदमा आपके ऊपर, कत्ल का मुकदमा, इतना खौफनाक मुकदमा किया है, आप इसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, हमारे कोई मुकदमा नहीं करना, हमारा मुकदमा आसमान पर है। गुलाम अहमद की शहीदान अहमदियत, शहीदान अहमदियत, असीरान राह मौला। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया है, गड़े में तूने सब दुश्मन उतारे, हमारे कर दिए ऊंचे मनारे, गिराओ इन मीनारों को। अगर दारुज़िक्र की मस्जिद का एक मीनार आपको चुभता है, गिराओ उसको। हमारा असल मीनार, हमारा जो एमटीएस ट्रांसमिशन है, गिरा, हाथ लगाओ उसको। किन मीनारों की बात करते हो, अब मीनारे भी चुभते हैं, डोम भी चुभता है। हज़रत मुसीम ने फरमाया गड़े में तूने सब दुश्मन उतारे, हमारे कर दिए ऊंचे मनारे। हज़रत मुसीम तो कह रहे हमारे मनारे और ऊंचे होंगे। मुकाबले में मेरे ये लोग हारे, कहां मरते थे पर तूने ही मारे। कौन खड़ा हुआ है, किसने कोशिश की है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को तबाह करे। अबस है बागे अहमद की तबाही की ये तदबीरें, छुपी बैठी हैं तेरी राह में मौला की तकदीरें, तकदीर छुपी बैठी है। कतब अल्लाह अगलबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ताला उसके रसूल कामयाब होते हैं। कहा कि किस बात, किस दुनिया की बात कर रहे हो। जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया आलमगीर, कादियान दारुल रहमान। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे मोहम्मद अलियास साहब, सरहद के रहने वाले थे। एक दफा एक भरी मजलिस में और भी बहुत से लोग बैठे थे, तो वहां का जो मालिक था अखवंत ज्यादा, उसने भरी मजलिस में मौलवी इलियास खान साहब जो हज़रत मसीह के साहबी थे, उनको भरी मजलिस में उनका चैलेंज किया और कहा कि मौलवी इलियास साहब तुम्हें, आपको कोई सरहद में कोई पीर नहीं मिला, इतने पीर यहाँ पर हैं, आपको सरहद में कोई पीर नहीं मिला, जो जाके कादियान में एक पंजाबी पीर की हमने बैत कर ली, सरहद में कोई पीर नहीं मिला। मौलवी साहब ने वहां पर खड़े होकर तकरीर की, उन्होंने कहा क्योंकि आपने पब्लिक में मुझसे पूछा है, इसलिए पब्लिक में जो आप सुनो। वो कहने लगे कि मैं खुदा को ढूंढ रहा था, मेरा खुदा गुम हो गया था, मैं बहुत लोगों के पास गया, मैं 72 फिरकों के पास गया,
हर एक कहने लगा, बोलता था, अब नहीं बोलता, पहले हाँ बोलता था, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, अब नहीं बोलता, 1400 साल से मुंह बंद है, नऊज़ बिल्लाह। कहते मैं 72 फिरकों के पास गया, सब जहां छान चुके, सारी दुकानें देखी। कहते इस वक्त मुझे एक नरम प्यारे हाथ ने मेरे कमर पर हाथ रखा कि मोहम्मद इलियास क्या बात है, कहने लगे मेरा खुदा गुम हो गया है, मैं तो खुदा को ढूंढ रहा था। हजरत मसीह मौऊद ने फरमाया कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी बैत करो, खुदा तुमसे भी बोलेगा, मैं तुम्हें खुदा दिखाता हूं। अब मौली साहब सारे मजलिस मजमे में कहने लगे कि अब मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूं, जिसकी झूठी कसम खाना लंतियों का काम है, कि मुझसे खुदा हम कलाम है। आप सब में कोई है जो अब यहां पर खड़ा होकर कसम उठाए कि मुझसे खुदा हम कलाम होता है? सन्नाटा छा गया, किसी की मजाल नहीं थी कि दम मरे। कहने के कोई है यहां पर? मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मुझसे खुदा हम कलाम है। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल को एक नवाब साहब ने कहा कि मौली साहब आपको बैत करने की जरूरत तो क्या थी, आप तो पहले ही बड़े करामत करामत वाले बुजुर्ग और आप साहिब कशफो इल्हाम वगैरह, तो आपको क्या जरूरत थी बैत करने की? तो वो कहने लगे आपको क्या फायदा हुआ बैत करने का? वो कहने लगे बैत के फवायद तो मुझे बहुत हुए हैं, बैत के तो बहुत फायदे हैं, मैं सारे नहीं बता सकता, मगर हाँ एक बता देता हूं कि पहले मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में किया करता था, अब मैं बेदारी में भी करता हूं। ये है ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ। खुलफाए अहमदिया, खिलाफते अहमदिया, खिलाफते अहमदिया। मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी, अभी चंद साल पहले मैं उनकी कब्र पर खड़ा दुआ कर रहा था, वो कहते हैं सियालकोट में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुझे मिले, कहते हैं मौली अब्दुल करीम आओ मैं तुम्हें खुदा दिखाता हूँ। और उन्होंने मस्जिद अक्सा में खड़े होकर कहा कि मैं शहादत देता हूं कि मुझसे खुदा हम कलाम है। लोग कहते हैं मदीद ने, इस्लाम ने, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या दिया, क्या फायदा हुआ? वो खुदा गुम हुआ था, खुदा से ताल्लुक कायम किया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक जमात नहीं बनाई थी इसलिए कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं और सारे जो, इसलिए कि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हो। अगर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं तो इसलिए तो नहीं हज़रत मसीह मौऊद थे, इसलिए तो नहीं आए थे। और ये मैं बता दूं कि ये जो वाकयात मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मेरे सारे आमाल दुनिया के पहाड़ों के बराबर भी होते, अगर मैं आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ना होता और आपकी पैरवी ना करता तो मुझे यह हरगिज हासिल नहीं हो सकता था। ये महज आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की वजह से और आंद्र का उम्मती होने की वजह से मुझे ये मुकाम मुकालमा और मुखातबा का हासिल हुआ है, सिर्फ आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये बातें ऐसी हैं, ये आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बरकत है जिसकी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये रुतबा अदा किया। एक दफ़ा मौलवी गुलाम रसूल साहब राज्य की, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, पुराने मंदिर तो ज़रूर जानते होंगे, वो एक दफ़ा वो जलसा था तो कुछ वक्त मिला
तो उन्होंने मौलवी साहब को कहा आप तकरीर करें। मौलवी साहब ने बयान करने शुरू कर दिए, वाक़यात कबूल थे, दुआ के वाक़यात बयान करने शुरू कर दिए। तो वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ था, वो कहने लगे कि हम तो रोया करते थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने नबूवत का दावा कर लिया, अब तो पता लगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद नबी पैदा कर रहा है। उलमा उम्मत ही काम भी आए बनी इसराइल, क्योंकि हम तो रोते थे एक बार, ये तो देखो कितने पैदा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आलम अल्लाह ताला ने पैदा किए। मैं खुद एक दफ़ा मौलवी साहब के पास घर में गया, दरवाज़ा खटखटाया, एक बहुत ज़रूरी काम था, एक दुआ करने की इस्तखारा करना था, दरवाज़ा खटखटाया, जाके दारुल रहमत में जाके उनके पास बैठा। मैंने कहा मौलवी साहब एक काम है बड़ा ज़रूरी, मैं क्या करूँ दुआ के लिए, वो ऐसे हाथ उठाया, अभी मैंने सूरह फातिहा पूरी तरह मुकम्मल नहीं की, कहते आमीन, कहते काका जाके फौरन वो काम कर ले, बरकतें बड़ी। कहते मैं दुआ कर रहा था, कशफी तौर पर मैंने देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आकर बैठ गए हैं, फिर देखा हज़रत मसीह मौऊद आकर बैठ गए हैं, खलीफतुल मसीह अव्वल आकर बैठ गए हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई हैं दुआ के साथ। ये लोग हैं, ये कल की बात नहीं कि बात करता कल बोलता था, अब नहीं बोलता, अब भी बोलता है वो खुदा, अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उसे बोलता है जिसे वो करता है प्यार। नारे तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। और ये बात जैसे मैंने अर्ज किया है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला से ताल्लुक, देखो वो गार में बैठे थे हजरत अबू बकर के साथ, दुश्मन गार के मुंह पर आ गया, उसकी टांगें नजर आ रही उनकी, और हजरत अबू बकर घबरा गए कि अब क्या होगा। तो क्या इत्मीनान, क्या ताल्लुक बिल्ला का एक है। उस वक्त फरमाया ला तहजन इन्नल्लाह माना, घबराते क्यों हूं, अल्लाह हमारे साथ है। कौन कह सकता है जिसका अल्लाह ताला के साथ। किसरा को खत लिखा, तबलीग का खत लिखा, उसने खत को पारा पारा करके फेंक दिया। उसने कहा कि जाओ जाके यमन के अपने गवर्नर को कहा कि जाओ उसको हिरासत में लाओ, और ये उसकी ये जरूरत कि मुझे खत लिख रहा है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उस भाई हथकड़ी लगाने के लिए गए, उन्होंने कहा कि बेहतर है आप हमारे साथ आ जाएं, वरना आप अपने मुल्क को तबाह कर देगा। तो हज़रत ने फरमाया कि कल आना, मैं कल आपको इसका जवाब दूंगा। अगले दिन जब आए तो उन्होंने हज़रत ने फरमाया कि कल रात मेरे खुदा ने तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दिया, भाग जाओ वापस जाओ। ये अल्लाह ताला का कौन कौन कर सकता है। देखो एक तलवार लेकर आंद्रसन लेटे हुए थे, तलवार लटकी हुई थी, वो एक काफर ने आकर तलवार उठाई और जगाया, क्या बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। तो आपने कहा मेरा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह इस इत्मीनान से कहा कि वो कांप उठा और तलवार उसके हाथ से गिर गई। देखो हम भी तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, मगर वो अल्लाह और है, वो अल्लाह कहना और है। तेरा तो दिल है सनम खाना, फिर तुझे क्या नफा, अगर जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर जबान से ला इलाहा। एक मैंने तोता देखा था किसी मुल्क में, मैं गया था, तोता वो कलमा ला इलाहा, उसका क्या फायदा है। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि तुम्हारा दिल तो भरा हुआ है और अपने खुदा तुमने बनाए हुए हैं, अपनी अना का खुदा है, अपने कारोबार का खुदा है, बीवी बच्चों का खुदा है, मालो दौलत का खुदा है, फिर तुम्हें क्या नफ़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई फ़ायदा नहीं। निकालो पहले उनको खुदाओं को, और खुद जिंदा खुदा से ताल्लुक रखो, और फिर देखो कि अल्लाह ताला हज़रत मुसीमत के बेशुमार वाक़यात हैं, मैं बयान कर सकता हूँ।
जब चंदू लाल एक मजिस्ट्रेट था, उसने कोशिश की हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम को कि ये पंडित लेख राम का बदला अब मैं लेता हूँ, और वो उसने वादा किया कि मैं इसका मुकदमे मैं करूँगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम वो कहने लगा मेरा शिकार है ये। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम बीमार थे, और ये करम दीन का मुकदमा था, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम लेटे हुए थे, ऐसे कहते हैं, दोनों हाथ मिलाकर तकिया बनाकर लेटे हुए थे और बीमार थे। जब आपने सुना कि वो कहता है कि मेरा ये शिकार है, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम उठ बैठे। और आम तौर पर ये ख़ानदान के लोग आपने देखे ना, इनके ऊपर के पलक ये भारी होते हैं, ये ज़रा नीची नज़र से देखते हैं, ज़्यादा ऊँची ऐसे सामने नहीं देखते। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम की आदत थी, मगर जब उसने कहा ना मेरा शिकार है, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम जैसे उठ कर बैठ गए, और आँखें ऐसी खुली थी कि वाकई शेर की आँखें लगती थी, और फरमाया मैं इसका शिकार, ये हाथ तो डाल कर देखे, इसकी मजाल है कि अल्लाह ताला के शेर पर हाथ डाल कर देखे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम को अल्लाह ताला ने असदुल्ला का खिताब दिया है कि खुदा का शेर है, शेर पर हाथ तो डाल कर देखो। अंबिया से बुग्ज भी ऐ गाफिलो अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल, ऐ रुबाई दारो नजार। अंबिया से हजरत मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। अंबिया से बुग्ज भी ऐ गाफिलो अच्छा नहीं, दूर तर हट जाओ इससे, है ये शेरों की कछार, नहीं समझ आती दूर हो जाओ, ये शेरों की कछार है, इस पर कहीं हाथ ना डाल देना। ये लोग उठते हैं आजकल कि अहमदियत को तबाह कर देंगे और वो खुद को तबाह कर देंगे, वो देखो खुदा ताला की कुदरत। हज़रत मसीह मौऊद को इल्हाम होता है कि वसे मकाना का, तो चंद लोग भिजवा देते हैं अमृतसर, जाओ जाके छप्पर की एक लकड़ी थोड़ी सी ले आओ, और ताकि थोड़ा सा मैं बस वसत देखो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम की। ये लोग जो देखो जो बैठे हुए हैं, ये कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, मैं अभी अफ्रीका से आ रहा हूँ, अफ्रीकन जिन्होंने मिर्ज़ा हज़रत मसीह मौऊद को क्या देखना था, खुलफा को भी नहीं देखा, देखो जाके अल्लाह ताला किस तरह वसत पैदा कर रहा है। बस ये इलाही काम है, हमारी जो जंग है इलाही जंग है, इसका दारमदार इस बात पर नहीं है हमारी तादाद कितनी ज़्यादा है, तादाद भी ठीक है, मगर किन लोगों का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है। अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसका। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम फरमाया कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा, कशफन देखा, कि अल्लाह ताला ने मेरे गले में हाथ डाला हुआ है, और पंजाबी का इल्हाम है, ये तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, अगर तू मेरा हो जाए तो तमाम दुनिया तुम्हारी। वो फरमाया ना फेर दे मेरी तरफ ऐ सारबा जग की मुहार, कि अगर तू मेरा हो जाए। देखो हमारा काम दुनिया फतह करना है, दुनिया के दिल जीतना है, दो तरीके हैं, या तो हम लोगों के पीछे भागें, उनको मनाने की कोशिश करें, जो नामुमकिन है, छोटी सी जमात, ज़राए भी इतने नहीं हैं। दूसरा काम जो राज हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया, ये तू मेरा हो रे सब जग तेरा हो, अगर तू मेरा हो जाएगा तो तमाम दुनिया तो तुम्हें मैं तुम्हें अता कर दूंगा, दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे अंदर ऐसी मकनातीसी कुव्वत आ जाएगी। देखो मकनातीस होता है लोहे के ज़र्रे हों, लोहे के ज़र्रों का उनकी कोई और पेश नहीं जाती कि वो उसकी तरफ भाग के आए। हजरत मुस्लिम मऊद गालिब का ये शेर भी पढ़ा करते थे, उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने, मैं बुलाता तो हूँ उनको मगर ऐ जज्बा दिल, उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। इस तरह का इंसान मकनातीसी वजूद बन जाए कि दूसरे को दूसरे की मजाल ना हो कुछ और काम करने की,
कि वो खींच कर जलाए। अभी हजूर ने आज खुतबे पर फरमाया है कि किस तरह अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे तो क्यों लोग हमारे पास आए, क्यों लोग कुर्बानी, क्यों अपने 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 छोड़कर, अपनी जमात, अपने अपने ख़ानदान को छोड़कर और क्यों आए। और आप जो आए हुए हैं, मैं जो आया हूँ, इस दुनिया, इसकी सारी दुनिया की लानतें हम खाते हैं, सारी दुनिया जो हमें हमें मजाक करती है और लानत भेजती है, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गालियाँ भी खाईं और फिर भी अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम ना हुआ, क्या फ़ायदा उसका। क्या आप समझते हैं कि आप जर्मनी में या आप कनाडा में या अमेरिका में अपनी ताकत से आए हैं? ये अल्लाह ताला का एक स्कीम है जिसके तहत अल्लाह ताला ने आपको कैटापल्ट किया है, जैसे जैसे एक इंतशार होता है। हज़रत मुसीम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला मुझे ये कुव्वत अल्लाह ताला ने अता की कि मैं नई ज़मीन बनाऊँ, नया आसमान, नई मखलूक। ये नई मखलूक है जो हर दूसरे तीसरे महीने सुनते हैं कि जर्मनी एक और मस्जिद बन गई, एक और मस्जिद बन गई। जब मुसीबत बनी है दुनिया की, माली मामलात में ऐसा क्राइसिस है दुनिया के ऊपर, ना मालूम कहाँ से अल्लाह ताला इस फंज को खाली करता है, फिर दोबारा भर देता है, फिर खाली होता है, फिर भर देता है। किस तरह बाहर पार्किंग के लिए जगह जगह नहीं मिल रही, आप वही लोग हैं जो पाकिस्तान, आपको एक मकसद के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने भेजा है। वो जो ज़मीन पैदा होते वक्त ये जो बिग बैंग थ्योरी है कि फतक ना होगा कानता रतकम व फतक ना होगा, कि ज़मीन एक गोल मैस बनी हुई थी, अल्लाह ताला ने उसको फिर फाड़ दिया, फिर कुरे को उधर गिरे, को उधर गिरे, को उधर गिरे, को अफ्रीका बना, को यूरोप बना। जब एक नबी आता है तो एक नई दुनिया बनती है। वो कादियान में एक इंतशार हुआ और कुछ लोग जर्मनी फेंक दिए गए, कुछ अमेरिका में फेंक दिए गए, कुछ यूरोप में फेंक दिए गए। आप एक मकसद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अगर ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने की कोशिश करें। देखें ये जलसा कामयाब है, आपने हजूर का खुतबा सुना, बाद में कहेंगे जी तादाद इतनी थी, ठीक है, ये भी एक मेयार है। खाना बहुत अच्छा था, ये भी एक मेयार है। तकरीरें बड़ी अच्छी थी जी, धुआंदार तकरीर, हाँ बहुत अच्छा है। नारे बड़े लगे, बहुत अच्छा है। असल मेयार ये है कि क्या आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से बेहतर हुआ है इन तीन दिनों में। अगर ताल्लुक बेहतर हुआ है तो मुबारक, हजारों मील सफर करके आप आए, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए होंगे, और ये बेहतरीन वक्त है ताल्लुक कायम करने का। ये सोबत सालहीन का वक्त है, हजूर अय्यदुल्लाह ताला मिनिस्टर अजीज आपके अंदर मौजूद हैं, फिर खुद आ जाने के कब आवें ये दिन और ये बहार। और कोई आदमी ये ना सोचे कि जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मेरा अल्लाह ताला के साथ कैसा ताल्लुक होगा। अल्लाह ताला ने, रसूल खुदा ने ये नहीं कहा, याद नहीं आपको, बचपन में पढ़ा करते, अताए वो मैंने जम्बे कमल्ला जम्बला हो, जिसने गुनाह किया और तोबा कर ली वो बिल्कुल साफ कागज़ की तरह है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बाद लोग याद करते हैं जी उसने जी बचपन ये किया था वो किया था, अपना यूं ही नामा अमाल को स्याह करना, अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया हुआ है पता नहीं कब का। और ये एक शुरू है, अल्लाह ताला इसको, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता करे और अल्लाह ताला इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मकसद है ज़िंदगी का, हमारी जमात इसलिए कायम हुई है, हमारा ये हथियार है अल्लाह ताला से ताल्लुक। अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं है कुछ नहीं है, और कौमें आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये लिख छोड़ा है, कदाए आसमां आसी बहरहाल शब्द पैदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जज़ाकल्लाह खैर। तकबीर।
تکبیر اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے خلافت احمدیہ زندہ باد حضرت امیر المومنین زندہ باد جماعت احمدیہ عالمگیر زندہ باد جماعت احمدیہ کینیڈا زندہ باد نعرہ